हेलो एवरीवन, वेलकम टू NFNet क्लास। आज के सेशन में हम एप्टीट्यूड के टॉपिक रेशियो और प्रपोर्शन को डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आप लोगों के लिए उसके कुछ कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो और प्रपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो रेशियो को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं, ठीक है। और प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? समानुपात। हिंदी में समानुपात कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक चीज़ों को देखते हैं कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो, जब हम दो वैल्यूज़ के कंपैरिजन को ही क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। और वो जो दो वैल्यूज़ होंगे वो कैसा होने चाहिए? सेम काइंड के होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बताऊँ कि एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। और उन 10 स्टूडेंट्स में से जो टोटल जो 5 स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करके आए हैं? जो असाइनमेंट दिया गया था उसको कंप्लीट करके आए हैं। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स में सिर्फ पाँच स्टूडेंट्स ने ही असाइनमेंट कंप्लीट करके आया है। तो अगर हम इसे रेशियो में शो करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो आप इसे रेशियो में किस तरीके से लिखेंगे? 5:10 में, ठीक है। अब हमेशा याद रखिए, जो रेशियो का जो साइन होता है हम उसे कैसे डिनोट करते हैं? इस कोलोन से डिनोट करते हैं। और इसी को हम कैसे बोलते हैं? इस टू से पढ़ते हैं। मतलब कि जब हम इसे रीड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे? 5:10 से। उसके बाद जो रेशियो होता है उसको हमेशा आप कैसे लिखेंगे? डिवाइड करके लिखते हैं रेशियो को। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 5/10। तो ये कैसा हो जाएगा? 1/2, जिसे हम कैसे शो करेंगे? 1:2 से। तो यही क्या होता है? रेशियो होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रपोर्शन, जो क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है। जैसे कि जो रेशियो था वो क्या करता था? दो टर्म्स को कंपेयर करता था, मतलब संख्याओं को कंपेयर करता था। तो वहीं प्रपोर्शन क्या करता है? दो अलग अलग रेशियो के बीच में बैलेंस करता है। जब भी आप प्रपोर्शन का नाम सुनेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है, तराजू। तराजू क्या करता है कि दोनों तरफ बैलेंस करके चलता है, जिसे हम बैलेंस भी बोलते हैं। तराजू को इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं। तो वो क्या करता है? बैलेंस लेके चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें उसके लिए, तो अगर मैं ले लूँ 2:6 और उसके प्रपोर्शनल में मैं एक और रेशियो ले लेती हूँ जो कि क्या है? 3:9। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपको कि यहाँ पर कैसा रिलेशन बन रहा है दोनों अलग अलग रेशियो का आपस में, तो जो अगर हम लोग दो का तीन गुना करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। उसी तरीके से यहाँ पर कैसे रिलेशन बन रहा है? 3 का 3 गुना करेंगे तो 9 होगा। और इसी को हम और किस तरीके से बता सकते हैं कि इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 1:3 में। और यहाँ पर भी क्या होगा? 1:3। तो दोनों साइड क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। मतलब जो रिलेशन इस साइड बन रहा है वही रिलेशन क्या हो रहा है? इस साइड भी बन रहा है सेम। तो इसने क्या किया? बराबर करके चला, मतलब कि इक्वल लेके चला। तो प्रपोर्शन क्या करता है? बैलेंस करके चलता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि रेशियो और प्रपोर्शन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ हमें रेशियो दिया है, कैसा? A:B का क्या वैल्यू दिया है? 3:4। और उसी तरीके से एक और रेशियो दिया है B:C, जिसकी वैल्यू दी है 6:7। लास्ट में वो क्या पूछ रहा है कि तीनों को मर्ज करके पूछ रहा है कि A:B:C का वैल्यू क्या होगा। तो आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको A:B की वैल्यू क्या दिया है? 3:4। और उसी तरीके से B:C की वैल्यू क्या दिया है? तो हम यहाँ बस लिख देंगे उसको 6:7। अब यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आपको क्या लिखना है? तो जो आपका जो बाजू वाला नंबर रहेगा उसी को ही रिपीट करके लिखना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4। और इधर क्या आ जाएगा? 6। यहाँ 4 है तो 4 लिखा हमने, यहाँ 6 है तो 6 लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 7 4 जा 28, 6 4 जा 24,
और 6 3 18 इस तरीके से आएगा। अब इससे क्या होगा कि इसके बाद हम इसे और रिड्यूस कर सकते हैं, पर आपको साथ में ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो क्या आपको ये आंसर दिख रहा है ऑप्शन में, तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या किया, रिड्यूस किया है। तो जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 9 18, ये क्या होगा 12 जाएगा, और ये 2 1 2 4 8, मतलब कि आंसर क्या आएगा आपका, ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या आएगी, 9 12 14, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम पूछ रहा है, बस आपको क्या बताया है, बोल रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, मतलब तीन हम लोग को रेशियो दिया और तीनों को हमें मर्ज करके बताना है कि वैल्यू क्या होगी। तो हम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 रेशियो 3, जो कि ए रेशियो बी का बता रहा है। सेकेंड रेशियो क्या बोला है, बी रेशियो सी, मतलब कि हम यहाँ से लिखेंगे 3 रेशियो 4, और सी रेशियो डी की वैल्यू क्या दी है, 4 रेशियो 5। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ जहाँ ब्लैंक है उसमें हम लोग को क्या फिल करना है, जो बाजू वाला नंबर है सेम एज इट इज़ उसी को ही उतारना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। इधर क्या आ जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 रहेगा। ठीक, फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4, और उसके बाजू वाला भी क्या होगा, 4 होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्या होगा, 3 4 12, 12 5 60, 3 4 12, 12 4 48, नेक्स्ट 3 3 9, 9 4 36, और 2 3 6, 6 4 24, इस तरीके से आया। अब देखिए ये आगे और रिड्यूस हो सकता है, हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं तो क्या होगा, 12 के टेबल में आ जाएगा, मतलब ये 12 2 24 होता है, 12 3 36, 12 4 48, और 12 5 60, मतलब जो उसने रेशियो पूछा था किसका किसका, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2:3:4:5। ए की वैल्यू क्या दिया है, 2, ए की वैल्यू दिया है इसने 2/5 डी, और बी की वैल्यू दिया है 3/7 सी। तो हमें फाइंड करना है a:b:c। यहाँ बस देखो पूछा वही है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, बस जो देने का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग कर दिया है, सॉल्व हम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम बता रहे थे कि ए की वैल्यू क्या दिया है, 2/5 बी दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जो बी है वो किस में है, मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगी इक्वल्स टू के इस साइड लेके आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा, तो ये क्या होगा, a/b, और इधर 2/5। अब ये क्या हुआ, डिवाइड में है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेशियो b, इसका मतलब 2:5, इस तरीके से आ गया। ठीक, इसी तरीके से b वाला को भी हम कर लेते हैं, तो b में क्या दिया है वैल्यू, 3/7 c दिया है। ओके, तो इस c को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, b/c यानी 3/7, इसका मतलब हम इसे b:c, इसका मतलब 3:7 करके लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसके ही पैटर्न में आ गया कि a:b 2:5 दिया है और b:c 3:7 दिया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, a:b:c, a:b क्या दिया है, 2/5 के साथ दिया है, b:c क्या दिया है, 3/7 के साथ। अब जो स्पेस है उसमें हमें क्या करना है, नंबर्स को रिपीट कर देना है, सिंपल है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 = 35, 5 3 = 15, और 2 3 = 6, क्या ये और रिड्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता। और आपके ऑप्शन में भी देख लीजिए, 6:5:35 जो ऑप्शन है वो आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएगा, तो यही इसका आंसर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि आपके पास टोटल कितने हैं, 152 है, ओके, उसको डिवाइड किया गया है इनटू 4 पार्ट्स में, जो कि क्या क्या है, 3 है, फिर 4
फाइव और सेवन, इन चार पार्ट में जो 152 है उसको डिवाइड किया गया है और वो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा। ठीक, सिंपल है, जो आपको दिया गया है मतलब ये जो 152 है उसको उसने चार भाग में, चार पार्ट्स में प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया है, तो हम इसे x मान के चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x, 4x, 5x और 7x। अब ये सभी को हम टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए, 152 आना चाहिए, तो हमने यहाँ 152 लिख दिया और बीच में क्या होगा प्लस हो जाएगा क्योंकि इन्हीं का ही टोटल इक्वल्स टू कितना है 152। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 19 आएगा, 19x इक्वल्स टू 152। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, 152 डिवाइड बाय 19, तो ये कट जाएगा 1 और ये 8 जा, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 8। अब हमें क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन याद रखना, बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा, क्या होगा स्मॉलेस्ट पार्ट, तो जितने प्रोपोर्शन में उसने बांटा है, चार प्रोपोर्शन में बांटा है, तो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही बताएगा आपको, 3x जो यहाँ पर हमने लिखा है, तो 3x और x का वैल्यू क्या है 8, तो 8 × 3 = 24, यानी इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा 24 इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो, यहाँ पर हमें दो नंबर दिया है, किस में दिया गया है, रेशियो में दिया गया है 3:7, फिर इफ़ 8 इज एडेड टू बोथ नंबर, फिर वो बोल रहा है कि 8 को ऐड किया गया है बोथ नंबर में, ये दोनों नंबर पे 8 को ऐड कर रहे हैं, तो जो रेशियो है वो क्या निकल के आया 5:9 का, तो हमें वो जो दो नंबर्स है वो क्या होंगे वो फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दो नंबर्स क्या क्या दिया है 3 और 7, तो मान लेते हैं इसे हम 3x और 7x। अब ये रेशियो में दिया है, मैंने हमेशा आपको बताया जब रेशियो में दिया रहता है तो उसको हम लोग डिवाइड करके लेके चलते हैं, डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x / 7x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप उसने क्या बोला है, ऐड करना है, दोनों नंबर पे क्या करना है, ऐड करना है किसको 8 को, तो हमने दोनों साइड क्या कर दिया ऊपर नीचे ऐड कर दिया, और उसके बाद जो रेशियो बन रहा है वो क्या है 5:9 का, तो 5/9। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, तो क्लियर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इसके साथ जाएगा सभी के साथ और इसका इसके साथ जाएगा, तो मैं आपको यहीं से ही बता देती हूँ, क्विक सॉल्व करना, 9 × 3 = 27x होगा प्लस 8 × 9 = 72 इक्वल्स टू 7 × 5 = 35x और प्लस करेंगे 8 × 5 = 40। तो अब हम क्या करेंगे, लाइक स्टंप को एक साथ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 35x - 27x हो जाएगा इक्वल्स टू 72 - 40 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 8x आएगा, 8x इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ क्या निकलेगी 8 × 4 = 32। अब x की वैल्यू आ गई, अब उसने क्या बोला था दो नंबर्स हमें फाइंड करना है, तो उसने दिया था 3x और 7x, इसमें हम x की वैल्यू रख लेते हैं, तो 3 × 4 x की वैल्यू रखेंगे तो 1 आएगा 24 और 7x के लिए 3 × 4 = 12 होता है और 7 × 4 = 28, तो एक आंसर आपका क्या आएगा 12 और 7 × 4 = 28, मतलब कि 12 और 28 जो दो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे 12 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 5 पैसे, ये जो PS लिखा है वो पैसे हैं, फिर 10 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, तीन टाइप के पैसे रखे गए हैं एक बैग में जिनका रेशियो आपको दे दिया है 3:2:1 का, फिर बोल रहा है कि टोटल कितने रुपए हैं, टोटल 60 रुपीज़ हैं, तो उसने पूछा है कि हाउ मैनी 5 पैसे ऑफ कॉइन्स आर देयर, मतलब 5 पैसे वाले कितने कॉइन्स उस बैग में होंगे वो हमें निकालना है। तो आपको क्या क्या दे दिया है, 5 पैसे दिया है, रेशियो 10 का दिया है और
25 पैसे का रेशियो दिया है, उसका किसके इक्वल दिया है, 3:2:1 के साथ। इसे मान लेते हैं कि ये क्या है, 3x है, 2x और 1x के साथ लेके चलते हैं। अब हमें पता है कि 1 रुपीज़ मतलब जो 1 रुपये होता है उसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर टोटल कितने रुपए हैं, 60 रुपीज़ है। तो 60 रुपीज़ का अगर हम लोग पैसा निकालें तो कितना होगा, 100 × क्या कर देंगे, 100 × 60 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6000 पैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बस देखिए जो 5 पैसे हैं उसके कितने हिस्से, मतलब 5 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 × 3x लेंगे, प्लस 10 × क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस 25 × x मतलब 1x ले लेते हैं। ओके, और टोटल फिर कितने पैसे हैं, इन्हीं को मिला के टोटल कितने पैसे चल रहे हैं, तो 6000 हो रहे हैं। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 15x होगा प्लस 20x और 25x होगा। ओके, इक्वल्स टू 6000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, सबको प्लस कर लीजिए, 5 × 5 = 10 होगा, 2 × 2 = 4 = 5 = 6, 60x इक्वल्स टू 6000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आएगी, ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, 100। अब यहाँ बस क्या बोला है कि 5 पैसे वाले कितने कॉइन्स यहाँ होंगे, तो जैसे कि आपको देख रहा है कि 5 पैसे कितने हैं, 3x है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 = 3 × x की वैल्यू रख दीजिए, मतलब सीधा सीधा आपको 3x पे वैल्यू रख देना है। क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ 5 पैसे का कितना रेशियो दिया है, 3 रेशियो दिया है, 3x का दिया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 100 यानी कि 300। तो 5 पैसे वाले पूरे बैग, उस बैग में कितने कितने कॉइन्स हैं, 300 कॉइन्स हैं, इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, थर्ड वाला होगा। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक क्लास है, इन अ क्लास 20% ऑफ बॉयज हैविंग ब्लू आइज एंड 10% ऑफ गर्ल्स हैव ब्लू आइज। ओके, तो रेशियो उसने क्या दिया है, बॉयज और गर्ल्स का 4:3 दिया है, और वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैविंग ब्लू आइज, मतलब वो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन कितने प्रोपोर्शन में ब्लू आइज हैं सारे स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स का। तो हम यहाँ देख लेते हैं, पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 ले लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि 100 स्टूडेंट्स में जो बॉयज़ हैं उनमें से 20% जो हैं उनके ब्लू आइज हैं, तो 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो जो बॉयज़ जिनके ब्लू आइज हैं 20% वाले, तो 20/100 क्या हो जाएगा, 1/5 होगा। फिर उसी तरीके से हम गर्ल्स का निकाल लेते हैं, जो कितना दिया है, 10% दिया है, तो गर्ल्स का 10% है, और 100 स्टूडेंट का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 10/100 यानी ये क्या हो जाएगा, 1/10 होगा। ओके, फिर उसने क्या दिया है, दोनों का टोटल स्टूडेंट का रेशियो दिया है 4:3। ठीक है, बॉयज़ इज़ टू गर्ल्स का उसने रेशियो दिया है 4:3, मतलब टोटल कितने हैं, 7 हैं, कितने हैं टोटल, 7 हैं। ओके, अब यहाँ पर सब क्या करना है आपको, जो हम क्या निकालते हैं कि प्रपोर्शन में निकालेंगे, पहले बॉयज़ का निकाल लेते हैं फिर गर्ल्स का निकालेंगे, तो बॉयज़ में कितने हैं, 1/5 हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉयज़ के लिए 1/5 × क्या होगा, 1/5, और बॉयज़ का जो रेशियो दिया वो कितना दिया है, 4x/7 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब 4/7 होगा। ओके, 4/7, तो ये क्या होगा, 4×1 = 4 और 7×5 = 35, इस तरीके से आया। उसी तरीके से हम गर्ल्स का निकाल लेते हैं, तो जब गर्ल्स का निकालेंगे तो क्या आएगा, इसी को ही लेना है हम लोगों, कितना है, पहले 1/10
इनटू टोटल कितना है, 7 है, यहाँ भी 7 रहेगा, रेशियो में कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/70 हो जाएगा, ठीक, 3/70। अब हमें क्या करना है, ये इतना जो है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए था और इतना जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए, हमें पूछा है टोटल स्टूडेंट का पूछा है ना, पूरी क्लास के टोटल स्टूडेंट का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको आप प्लस कर लीजिए, मतलब 4/35 प्लस 3/70, ये इस तरीके से आएगा 4/35 प्लस 3/70। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा, और इसको फिर यहाँ पास क्या है, 70 के ऊपर 3 है तो ये नॉर्मल 3 रहेगा, प्लस यहाँ पास क्या है, 35, तो 70 से पहले उसको डिवाइड, 70 को 35 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 जा जाएगा और 2 4 जा क्या होगा, 8 होगा, तो ये टोटल कितना है, 11/70, तो इसका आंसर क्या होगा, 11/70, मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें जो ब्लू आइज वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने प्रपोर्शन के होंगे, 11/70। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ट्राइंगल्स के साइड्स दिया है, मतलब ये ट्राइंगल है और उसके जो साइड्स हैं उनके उसने क्या दिए हैं, रेशियो दिए हैं, 1/2, 1/3 और 1/4 का रेशियो दिया है। उसके बाद उसने क्या बोला है, पेरीमीटर इज 52 सेंटीमीटर, तो वो पूछ रहा है कि जो द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा। तो इस क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये था हमारे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का सेकेंड वीडियो, इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।